छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की राज्य इकाई में 4 अतिरिक्त पदाधिकारियों को पेश किया, जबकि 4 उपाध्यक्षों, 3 महासचिवों और संचार विभाग के प्रमुख की जगह एक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये संगठनात्मक परिवर्तन का हिस्सा बताया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू हो गया है। इसके तहत निगम मंडल में कुर्सी पा चुके नेताओं को प्रदेश संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार इस फार्मूले से पार्टी के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पद मिल सकता है। वैसे भी 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी में पदों की तुलना में दावेदारों की संख्या कई गुना ज्यादा है। इस कारण से अब तक सभी मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस संगठन में शनिवार को बदलाव हुआ। इस बदलाव की सूची सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जारी की। संगठन में जिन लोगों को हटाया गया है उनमें से 3 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। इसमें संचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी के साथ ही उपाध्यक्ष रहे गिरीश देवागन और अटल श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। 3 को निगम मंडल में कुर्सी मिल चुकी है। त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक, देवागन खनिज विकास निगम और श्रीवास्तव पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही निगम मंडल में कुर्सी पा चुके पद्मा मनहर और भानु प्रताप सिंह भी संगठन से हटाए गए। संगठन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार हाईकमान ने यह कदम उठाकर साफ कर दिया है कि पार्टी में अब एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा। इससे उन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं जिन्हें अब तक संगठन या सरकार में स्थान नहीं मिल पाया है। पार्टी के 4 जिला अध्यक्ष भी बदले गए हैं। इनमें से जंजगीर चापा के जिलाध्यक्ष रहे चोलेश्वर चंदाकर भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का निर्वाचन क्षेत्र इसी जिले में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार डॉक्टर महंत चंदाकर को अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ थे। इसी वजह से पार्टी ने चंदाकर के स्थान पर राघवेंद्र सिंह को जिला की कमान सौंपी है। महिला आयोग के सदस्य की जिम्मेदारी संभाल रही तुलसी साहू के स्थान पर मुकेश चंदाकर को भिलाई शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें जोरों पर हैं। इन्हीं अटकलों के चलते प्रदेश के कई विधायक दिल्ली में हैं। जून में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 2.5 साल पूरे होने के बाद TA सिंहदेव के समर्थकों ने रोटेशनल मुख्यमंत्री पद का मुद्दा उठाया। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। फिर प्रदेश अध्यक्ष बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव में मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया TA सिंहदेव थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।